यह घटना अगस्त 1969 की है। श्री सिद्धराज माणिक प्रभु महाराज दिल्ली का दौरा संपन्न कर सड़क मार्ग से माणिक नगर लौट रहे थे। श्री जी इंदौर, वडोदरा, पुणे से सोलापुर होते हुए माणिक नगर आने वाले थे। वर्षा ऋतु अपने चरम पर थी। श्री जी के साथ उनके परिवार के सदस्य और संस्थान के 10-15 कर्मचारी भी प्रवास कर रहे थे। श्री जी रात के वास्तव्य के लिए जब बड़ौदा नगर की सीमा पर पहुंचे तब बड़ौदा के विश्वामित्र नदी में जल विप्लव आया था। सारा नगर बाढ़ के कारण जल में आधा डूबा हुआ था। दिन भर के प्रवास के कारण हुई थकावट के बाद श्री जी ने रात्रि के समय शहर की सीमा पर ही वास्तव्य किया और अगले दिन सुबह प्रयाण करने का निश्चय किया। अब रात के भोजन का सवाल उठा। रसोईया तो श्री जी के साथ ही था, गाड़ी में अनाज भी था, परंतु चूल्हा सिलगाने के लिए सूखी लकड़ी या कोयला कहीं दूर दूर तक उपलब्ध नहीं था। किसी ने बताया कि यहां तो लकड़ी नहीं मिल सकती, परंतु यदि लकड़ी चाहिए तो नदी पार करके बड़ौदा के बाजार में जाना होगा। इस विकट परिस्थिति में आपको केवल वही लकड़ी मिल सकती है। नदी के विशाल पात्र में जल का भीषण प्रवाह था, शहर भी पानी से भरा हुआ था। श्री जी ने कहा कि ऐसी विकट परिस्थिति में हम कुछ नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आज रात को भोजन नहीं करेंगे, कल सुबह देखा जाएगा, कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा कहकर श्री जी आराम से एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। करीब 1.5 घंटा बीता होगा, श्री जी को आंख लग गई थी। तभी किसी ने श्री जी को जगाया और बताया कि लकड़ी का प्रबंध हो गया है और आचार्य ने भोजन पकाना भी प्रारंभ कर दिया है। श्री जी ने आश्चर्यपूर्वक पूछा, कैसे, कहां से? कर्मचारियों ने श्री जी को बताया कि प्रभु के मुख्य अर्चक पुरुषोत्तम शास्त्री ने लकड़ी की व्यवस्था कर दी है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि जब शास्त्री जी ने यह सुना कि श्री जी भूखे सो गए हैं, उसी क्षण उन्होंने बड़ौदा नगर की ओर कदम बढ़ाए और तूफानी नदी से तैरते हुए बाजार तक गए और पीठ पर लकड़ियों के ढेले को बांधकर तैरते हुए वापस आए। इस घटना का वर्णन स्वयं श्री जी ने कई बार किया है और श्री जी अक्सर कहते थे कि उस दिन भोजन में जो स्वाद आया वह फिर कभी नहीं आ सकता। पुरुषोत्तम शास्त्री ने जान की बाजी लगा दी पर अपने प्रभु को भूखा सोने नहीं दिया।